आज अब तो आने चाहिए सिकंजी वाला। यस सिकंजी वाला आ गया। बहुत लेट है ये फेरी, ये फेरी बहुत लेट है। क्या क्या लेट आया? मतलब कहीं हूँ मैं कम से कम 7-8 दिन से लौट देखता आप आते ही गली में हूँ। अरे नहीं यार 4-5 दिन बंद कर दिया। हाँ तो वो टाइम पे आया था मैं। तबियत एकदम बर्फ़ वाला कर रहा पुल। हाँ बड़ा पड़ा। पासपोर्ट क्या है? हमने अभी और अब पार्सल मम्मी पापा पार्सल हो रहा है ये पूरा। मम्मी पापा के लिए भी ले लिया क्योंकि उनको भी साथ उनको भी पीते ही हो पीने का मन है तो भी साथ लिया। आज जाते हैं इसका घर और काम करने वाले हैं हमारी जो एडिट करने की बात की भाई कल का तो पूरा नहीं तो बहुत करी लेकिन भाई मजा बहुत ज़्यादा मजा। तो मैंने अभी जस्ट मोबाइल मैंने कनेक्ट करा क्योंकि वीडियो फाइल लेने के लिए और देखो मेरी फ़ोन की स्ट्रॉन्ग कितनी है। स्टोरेज 20 GB अवेलेबल है और 105 GB इंटरनल ये है। तो मुझे अभी लेना है पूरी फाइल जो कल का व्लॉग का है डुमस का जो हमने मस्ती करी थी और पूरा बहुत ज़्यादा इंजॉय करा था। यहाँ से मुझे सब फाइल उठा के मुझे यहाँ पर कॉपी करना है। ये होते होते थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा ठीक है। अभी देखो ये जो देखो यहाँ तक है अरे कहाँ गए यहाँ तक है ठीक है। कितनी फाइल है 43 आइटम्स हुई। यहाँ से मेरे को करना है कॉपी ये कॉपी यहाँ पे पेस्ट। टाइमिंग देखो देखो ये है मेरा अपने दोस्तों के साथ गया था उसका ब्लॉग तो पूरा मैंने डिलीट मारा था इसीलिए ये भी एरर बता रहा है तो ये सबको भी डिलीट मारेगा हम ये डिलीट। अब बचा ये और इसको भी डिलीट मारेगा। इस सर मैं एडिट करता हूँ और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या मैं आपको बता रहा हूँ ये देखो ब्लॉग एडिटिंग का ये पूरा टाइटल का ये मैं जो हर फिर संभाल कर रखता हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा मुश्किल ही नहीं होती ढूंढने में। अब ये जो सब फाइल है ये सबको डिलीट करने का ये सब डिलीट ये साउंड तो रखने का क्योंकि काम पड़ेगा हमें। अब आते हैं ये देखो ये है कल के ब्लॉग का पूरी फाइल ये दो लिया अभी और यहाँ से सब पूरा सब ले लेगा ये पूरा सब ले लिया हमने ये देखो सब फाइल इंसर्ट हो रही ये क्या हुआ हैंग मार गया। देखो इस तरह हैंग मार रहा था ये कंप्यूटर क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं जा रहा ये प्रोसेसर वाला है ना तो वो हिसाब से टाइम लग गया था। ये मैं देखो सबको मैं नीचे लेता हूँ ठीक है। ये मैच टू मीडिया रखता हूँ मैं अभी मतलब अराउंड 43 मिनट का ये ब्लॉग हुआ ये पूरा देखो 42 देख सकते हो 42 मिनट का ब्लॉग हुआ और मुझे इसको पूरा एडिट कर करके मुझे लाना है सीधा 12-15 के बीच में जो ऑफिशियली बात है क्योंकि पूरा ब्लॉग में ये नाच नहीं सकता मैं कि 42 मिनट का पूरा ब्लॉग नाच दो ये तो पॉसिबल तो है नहीं तो इसलिए पूरा में जो मेन होगा वो पार्ट कर करके उसे लाना है सीधा 12 मिनट में तो ये मुझे मुश्किल होती है। देखो अभी इसके प्रोजेक्ट सेटिंग बराबर नहीं है इसको प्रोजेक्ट सेटिंग बराबर करना पड़ेगा। ये देखो प्रोजेक्ट सेटिंग है 09 इस पर रखने का अपने फुल HD UK अल्ट्रा करोगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा तो वो हिसाब से ये फुल HD हम करेंगे 60 DSLR। अब ओके ये देखो हो गया और यहाँ से ऐसे ये इस तरह करेंगे अभी चल इस तरह हर एक वीडियो को हमें ऐसा ना करना है ठीक है। पहले जो भी ऐसा जो टेढ़ा होएगा तो टेढ़े को हमें सीधा करना है। अभी जस्ट मैंने पूरा कंप्लीट करा मतलब कि जो टेढ़ा था उसको सीधा करा और टाइम देखो 8 बज गए। अब असल काम है अब डिफिकल्ट क्या है देखो अब ये चालू होगा रेंडरिंग ये इसका ये जो रेड है वो रेंडरिंग पार्ट है ये पूरा
अब इसको यहाँ से रेंडरिंग को हटा सकता हूँ मैं। उसको टाइम कितना लगेगा वो देखिए, 17 सेकंड हो गए। तो अभी देखो टाइम कितना हुआ, 20-40 सेकंड, मतलब 8-4 हो गए, मतलब 1 आवर 54 मिनट मुझे टाइम लगेगा। इसका मतलब ये है कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा वहाँ तक मुझे बस आराम से बैठना और देखना और कुछ नहीं करना। और ये देखो ये कितना हो गया, ये 4000 के आसपास हुआ। 125,000 कंप्लीट नहीं होती वहाँ तक मुझे वेट करना। जो इसका टाइम इसमें बताया 1 आवर 40 मिनट्स, 1 आवर 40 मिनट्स में कुछ करना है, क्योंकि इसके बिना मैं एडिट कर ही नहीं सकता। अगर एडिट करने बैठ गया तो पूरी फाइल हैंग मारती हुएगी। अभी कितना टाइम हुआ, 21:03, मतलब कि 9:03 होगा। अब जाके रेंडर कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी भी नहीं हुआ, अभी भी इतना रेंडरिंग होने का बाकी है। क्योंकि अभी मैं खाने जाने वाला हूँ तो ओवर टाइम में मैं रेंडरिंग का पूरा ये काम कर लूँगा। इसीलिए सोचा कि वहाँ तक आगे का एडिटिंग का काम पूरा करूँ, जितना हो सके उतना कर लूँ, तो बाद में खाने चला जाऊँगा उस टाइम पर रेंडरिंग का काम शुरू कर दूँगा। फिर से देखा ना, 1 कलाक मुझे यूँ ही वेट करना पड़ा। अब एडिट शुरू कर दूँगा, ब्लॉग एडिट करते करते 15 मिनट लगेगी बस, उसके बाद हो जाएगा अपना ब्लॉग तैयार। इसके बाद मुझे करना है तहज्जुब की वीडियो, तहज्जुब की रील्स का ये करना है, क्योंकि कल की भी बाकी है, परसों की एडिट बाकी और आज की भी एडिट बाकी, 3 रील्स मेरे को एडिट करने के तहज्जुब की। तो वो हिसाब से आज का दिन तो यूँ ही ख़त्म हो गया ब्लॉग एडिट करते करते में। नहीं गिरा मैं, समझी, गिरते तो हाँ नहीं गिरा मैं, तो गिरा नींद में तोतो वाली, तो तेरा तोतो उड़ जाएगी, चुप चुप चुप, तेरा तोतो उड़ेगी, चुप, गिरते तो मजा आती है, गिरते तो मजा आती है, चुप, जो चीज हुआ नहीं वो चीज को सोच का मतलब क्या, चुप, हाँ जो चीज हुआ नहीं वो सोच का मतलब ही नहीं, चुप, जो हो गया सो हो गया, मतलब हुआ नहीं कुछ तो हुआ हो गया, चुप। खाली खाली खड़ा कर दे। 20 मिनट 53 सेकंड का हमारा ब्लॉग एडिट हुआ है, जो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। सो अभी देखो कितने बजे, 11:30 ऑलरेडी हो चुका है। अब इसे हम एक्सपोर्ट कर देते हैं ब्लॉग 90। इसमें भी प्रोजेक्ट सेंडिंग करना पड़ती है, 25 को सैंड एपेस करना पड़ता है, ये KB को 20 सेट के आसपास रखना पड़ता है, और ये बिट रेट ना बराबर है। अब अप्लाई करके कितने, ये देखो 319 MB, मतलब ये सॉरी 3019 MB, इसका मतलब 3 GB के आसपास ये ब्लॉग बना है। तो इसे अभी एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसा हैंग हो जाता है, देखिए फिर ज़्यादा हो गया, मतलब इसका मतलब ये है कि अजो 47 मिनट मुझे रुकना पड़ेगा ये, जब तक ये इंस्टॉल हो जाएगा, पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा, इसके बाद मैं अपलोड करने के लिए तैयार हो अपलोड कर सकता हूँ। तो वो हिसाब से अभी देख लो कितने बजे, 10:30-11:30 तो अभी से बज गए, और ये होते होते 12:30 बज जाएंगे, तो अपलोड मैं अभी कर ही नहीं पाऊँगा। तो कल मिलते हैं नए दिन के नए ब्लॉग के साथ, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।